मुझे भूख लगी है, एक हॉट डॉग ले ले। I'm sorry बेटा, मेरे पास सिर्फ राशन के ही पैसे हैं। लेकिन आज मेरा बर्थडे है। ओके, चलो आओ। जरा सुनिए सर, हॉट डॉग कितने का है? $3। क्या विक कार्ड चलेगा? अरे मैम, मैं ये कार्ड वार्ड नहीं लेता हूँ, मुझे सिर्फ कैश चाहिए। अगर मैं $2 दूं तो चलेगा? कोई छोटा वाला भी चलेगा? अरे मैंने यहाँ कोई लंगर खोल रखा है क्या? पूरे पैसे दो। I'm sorry, Isabella. वादा करती हूँ घर पहुंचते ही कुछ बनाकर खिला दूंगी। ओके ओके। थोड़ी हेल्प कर दीजिए। काश मैं कर पाती, सच कहूं तो आपके पास मुझसे ज्यादा पैसे। सुनकर बहुत दुख हुआ। अरे हाँ, इसके लिए एडवांस में बधाइयां। थैंक यू, उम्मीद है आपका दिन अच्छा रहेगा। हेलो, क्या आप विक कार्ड लेते हैं? ओह अच्छा, तुम उनमें से हो। मैं समझी नहीं। क्या तुम जानती हो कितना गुस्सा आता है जब मुझे काम करना पड़ता है और तुम लोग घर में आराम से बैठकर मेरे दिए टैक्स से मुफ्त की रोटियां तोड़ते हो? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, आप नहीं जानते इन पर क्या बीत रही है। छोड़ो ना, मुझे चुप ही रहना चाहिए था। जवाब है हाँ, हम कार्ड एक्सेप्ट करते हैं। चलो इससे पहले मुझे सोचने दो। स्ट्रॉबेरी? ये रहा आपका चेंज। थैंक यू सो मच, बाय। आपका हुआ 1298। और ये केक मिक्स भी डाल दीजिए। इसका बिल मुझे अलग से बनाना पड़ेगा। क्या ऐसा क्यों? अनजान बनने की जरूरत नहीं है। तुम अपने विक कार्ड पर केक मिक्सचर जैसी लग्जरी चीज नहीं खरीद सकती। आई एम सॉरी, मैं पहली बार ये कार्ड इस्तेमाल कर रही हूँ। इसका कितना होगा? मैं कैश दे दूंगी। $210। अरे यार, तो फिर इसे वापस रख दो। क्या? नहीं, मेरे बर्थडे पर हम केक खाने वाले थे। जानती हूँ बेटा, मैं वादा करती हूँ कि मैं ये लो। क्या? नहीं, सच में फिक्र मत करो, ले। नहीं नहीं, मैं ये नहीं ले सकती, लेकिन इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, ले लो प्लीज। नहीं, उसे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है, वो पहले से मुफ्त का सामान ले चुकी है। लेकिन ये प्रेग्नेंट है, इनकी एक बेटी भी है, मुझे बुरा लग रहा है। क्या लगता है ये प्रेग्नेंट क्यों हुई है? ताकि सबकी सिंपथी ले सके। वाओ, मैं कुछ कहूँ? किसी को जाने बगैर उसके बारे में फैसले नहीं करने चाहिए। अगर तुम्हें मेरी बातें इतनी ही बुरी लग रही हैं, तो ये आलसीपन छोड़कर कोई काम क्यों नहीं कर लेती हो तुम? मैं काम करती थी, मेरा अपना बिजनेस भी था, पर पता है, पिछले कई सालों से मैं अपने पति के साथ मिलकर अपना रेस्टोरेंट चलाती थी। कस्टमर्स की लाइन लगी रहती थी और बिजनेस दिन ब दिन बढ़ रहा था। हालांकि बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, लेकिन हमें बहुत मजा आता था। जब हमें पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूं, तो हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। हम खुश थे कि हमारे यहां दूसरा बच्चा होने वाला है। लग रहा था जैसे हमारे सपने पूरे होने का वक्त आ गया है। और फिर एक दिन मैंने इजाबेला के साथ घर में रहने का फैसला किया और मेरे पति काम पर चले गए। उन्होंने जाते हुए मुझे किस किया और कहा कि वो जल्दी वापस आएंगे। लेकिन वो कभी घर लौटकर वापस नहीं आए।
एक पुलिस ऑफिसर ने आकर मुझे बताया कि मेरे कार्लोस की कार का एक्सीडेंट हो गया और वो बच नहीं पाए। रोने के सिवा मेरे पास कोई चारा नहीं था। पति के जाने के बाद प्रेग्नेंट होने की वजह से मैं रेस्टोरेंट को अकेले नहीं चला सकती थी, इसलिए मैंने वो रेस्टोरेंट बंद कर दिया और वो जगह भी छोड़ दी। मैंने गुजारा करने की कोशिश की, मैंने छोटा घर ले लिया और अपने खर्चे भी कम कर दिए, लेकिन जब लगा कि मैं अपनी बेटी का भी पेट नहीं पाल सकती, तब मैंने सरकार की मदद लेने का फैसला किया। इसका मतलब मेरे पास भी काम था और पति भी, लेकिन सब खत्म हो गया। सच बात यह है कि मेरे लिए सरकार की मदद लेने का फैसला करना आसान नहीं था, लेकिन मैं अपनी बेटी के लिए और अपने होने वाले बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। अफसोस आपको ये सब झेलना पड़ रहा है। I'm so sorry. Thank you. क्या कहानी बनाई है। सच में मैं तो इमोशनल ही हो गई। एक बात कहूँ, कभी कोई काम करने का मूड हो तो एक्ट्रेस का काम आसानी से मिलेगा। तुम्हारे पास कहने के लिए और कुछ नहीं है मेरी कहानी सुनने के बाद भी? देखो, मेरे पास ऐसी फालतू कहानियों के लिए टाइम नहीं है और मुझे काम भी करना है। तो क्या तुम्हें केक चाहिए या नहीं? प्लीज ले लो ना, मैं और कुछ सुनना नहीं चाहता। थैंक यू, मैं बाकी वापस कर। अरे नहीं नहीं, अपनी बेटी को हॉट डॉग खिलाना, इसके लिए मेरी तरफ से बर्थडे गिफ्ट समझ लेना। थैंक यू। समझ नहीं आता क्या कहूं। कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। तैयार हो बेटा स्ट्रॉबेरी केक खाने के लिए? बिल्कुल तैयार हूँ। सिंथिया, ओह माय गॉड, हाय। मोनिका, तुम यहाँ? ये रहा तुम्हारा चेंज और तुम्हारा फूड स्टॉप कार्ड। आपका दिन अच्छा रहे। थैंक्स। थैंक यू। मैं किन लफ्जों में आपका शुक्रिया अदा करूं? कोई बात नहीं, और फिर से हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। चलो बेटा, तुमसे मिलकर अच्छा लगा मोनिका। चलो तुम्हें हॉट डॉग दिलाती हूँ। क्या सच में लेंगे? हाँ। सिंथिया, एक मिनट बात कर सकती हूँ? दरअसल मुझे तुमसे कुछ काम था। हाँ क्यों नहीं, बताओ। जानती हो, तुम्हारे जाने के बाद मेरा दूसरा किराएदार सिर्फ 6 महीने ही टिक पाया। रेस्टोरेंट कैसे चलाना है तुमसे अच्छा कोई नहीं जानता। खुशी हुई, थैंक यू। पुराने कस्टमर्स अब भी आकर तुम्हारे बारे में पूछते हैं। मैं बस ये पूछना चाहती थी, क्या तुमने कभी दोबारा रेस्टोरेंट खोलने का नहीं सोचा? मैं तुम्हारी सोच की कदर करती हूँ, लेकिन इस बीच बहुत कुछ बदल चुका है। अब मेरे साथ पार्टनर के तौर पर मेरे पति नहीं है, इसलिए मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। पर थैंक यू। अगर मैं तुम्हारी पार्टनर बन जाऊं तो, और वो भी 50-50 पर? ये भी नहीं हो सकता, मेरे पास 50% लगाने के लिए पैसे नहीं है, क्योंकि गुजारा ही मुश्किल से हो रहा है। सारा पैसा मैं लगाऊंगी। हम रेस्टोरेंट को चलाने के लिए एक मैनेजर रख सकते हैं, इसलिए तुम्हें सारा दिन खड़े रहने की जरूरत नहीं होगी। तुम्हें सिर्फ कस्टमर्स का ध्यान रखना होगा और बाकी सब कुछ हम देख लेंगे। तो क्या ख्याल है? सच हाँ। में? मैं मॉम। हाँ बोल दो ना। आप हमेशा रेस्टोरेंट की ही बातें करती रहती है और आपको सारा काम भी नहीं करना पड़ेगा। तो देखा, लगता है अच्छा वक्त फिर से आने वाला है। तो क्या कहती हो? बोलो बोलो बोलो। ठीक है, मैं करूंगी।
इजाबेला और सिंथिया इकट्ठे फिर से रेस्टोरेंट खोलने को लेकर बहुत खुश हैं। कुछ हफ्ते बाद उन्होंने फिर से रेस्टोरेंट की ओपनिंग की। सिंथिया के पुराने ग्राहक उसके दोबारा आने से खुश थे और उसे सपोर्ट करने के लिए आगे आए। जल्दी ही बिजनेस चल निकला। टेबल हमेशा फुल रहते और ग्राहक हमेशा खुश। सिंथिया का रेस्टोरेंट फिर से बहुत अच्छी तरह चलने लगा, लेकिन थोड़ी मदद के साथ। सिंथिया और इजाबेला पुराना घर वापस लेने में कामयाब हो गए। सब कुछ अपने आप ठीक होता जा रहा था। सभी लोग और आने वाला बच्चा बहुत ज्यादा खुश थे। और फिर एक दिन सिंथिया उसी स्टोर पर फिर से वापस आई। तो तुम उनमें से हो? हाँ, मैं कुछ समझा नहीं। जो तुम्हारी तरह सरकार के बहुत पैसे हो पर... गया। प्लीज इसकी बातें मत सुनना। एक्सक्यूज मी, आप हैं कौन और आप मेरे काम में टांग क्यों उड़ा रही हैं? एक काम कीजिए, आप ये सामान ले लीजिए, बिल में दे दीजिए। क्या सच में? हाँ। ओह थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं। और हाँ, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। मालकिन होने का नाटक क्यों कर रही हो? ओ, मैं नाटक नहीं कर रही, मैं यहाँ की मालकिन ही हूँ, लेकिन पार्टनरशिप में हूँ। हमने ये स्टोर बंद कर दिया है। क्या, क्या मुझे समझ नहीं आ रहा है, ये सब कैसे हो सकता है? वेल, जैसा इन्होंने कहा था, किसी के बारे में फैसला करने से पहले उसे अच्छी तरह जान लेना चाहिए। ये लो बेटा। थैंक यू। यू आर वेलकम। और ये तुम्हारे बाकी पैसे। ओ, कोई बात नहीं, आप रख लीजिए। सच में? थैंक्स। एक मिनट, तुम तो रॉजर, हमारे रेस्टोरेंट का मैनेजर, और आप इस जगह को भी यही संभालेंगे। दिमाग खराब हो गया क्या? मैं एक बेघर आदमी के नीचे काम नहीं कर सकती हूँ। नहीं, उसकी कोई जरूरत